तरीके से मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं अबव 95% कैसे लाऊं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं अबव 90% मार्क्स कैसे लाऊं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं 80% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि 1 महीना बचा हुआ है मैं अच्छे मार्क्स कैसे लाऊँ। तो यही सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, एक रोड मैप दूंगा जिसको कि फॉलो करके आप एटलीस्ट एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं 1 मंथ के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। दोस्तों मैं हूँ हर्षित और आप देख रहे हैं हरुष टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी क्वालिटी हेल्थ वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि अब मेरा 1 ही मंथ बचा है और अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या 1 महीना पढ़ के अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। सबसे पहले चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार जितना समय आप इस सवाल को पूछने में लगा रहे हो ना, अगर आप इतना समय पढ़ाई करने में लगाओ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि एक तो आप पढ़ोगे, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा क्योंकि आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे अगर आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो हाँ, अगर आप ढंग से पढ़ें तो 1 महीने में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़्यादा गवाए मैं आपको सीधी बातें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो कि कम टाइम में मैं फॉलो करता हूँ वो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 3-स्टेप मेथड है, ध्यान से सुनिए और देखिएगा। देखिए, सिंपल सा एक काम करना है आपको। एक सिंपल सा चीज़ है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 1 मंथ बचा है। अब एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, जो भी आपका टाइम जितना भी बचा हो उसको उसके तो आपको ये 3 पार्ट कर लेने हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है किसी का थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा हो सकता है किसी का थोड़ा कम टाइम बचा हो, तो अपने हिसाब से डेज को डिवाइड कर लेना। ये मत पूछना कि मेरे तो थोड़े ज़्यादा दिन बचे हैं तो मैं क्या करूँ, मेरे तो थोड़े कम दिन बचे हैं ये क्या करूँ। तो जो भी है, यही वीडियो है सबके लिए है, चाहे आपके 1 महीने से ज़्यादा बचाओ या 1 महीने से कम बचाओ। 1 महीने का एग्जाम्पल पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 महीना मेरे एग्जाम में बचा है, ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों ने पूछी थी। ठीक है, तो इसी के एग्जाम्पल से समझना और अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना आप लोग। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में 1 महीना बचा है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने इस 1 मंथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। सिंपली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला हिस्सा 10 दिन का, दूसरा हिस्सा 10 दिन का, और तीसरा जो हिस्सा है वो है 10 दिन का। अब बात करते हैं सीधी सबसे पहले हिस्से पे, जो कि हमारा 10 दिन का। इस हिस्से को आपको क्या करना है, सीधा सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 10 दिन लेने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके जो 1 महीना बचा है एग्जाम में, उसके जो पहले 10 दिन है आपको वो उठा लेने हैं। अब इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, अपने पहले 10 दिन में आपको अपने पहले 10 दिन में ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि आपको आराम से आप अपने एग्जाम में पास हो जाएं। अपने दिमाग में ये सोचिए कि अब मेरे पास ये पहले 10 दिन है, इन 10 दिनों में सिर्फ मुझे ऐसा पढ़ना है या फिर वो पढ़ना है जिससे कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं। और कोई गोल मत रखिए कि मेरे इतने परसेंट आ जाए, ये आ जाए, वो जाए, कुछ सोचिए मत। सिंपल सा एक नॉर्मल सा गोल, 10 दिन पास होना है। सिंपल सी चीज़, 10 दिन में मुझे पास होना है। अब पास होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं 10 दिन में, ये सुनिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोर वैल्यू जो है, कोर कंटेंट आपकी पढ़ाई का, उस पर फोकस कीजिए। सारा कोर कंटेंट जो है ना, वो मेन चीज़ होती है। अब आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले पास होने के लिए जो जो चीज़ पढ़नी है वो इन 10 दिनों में कवर करनी ही होगी, चाहे आपके कितने भी सब्जेक्ट्स हो। ये मत बोलना बाद में कि मेरे तो इतने सब्जेक्ट हैं, मेरे उतने सब्जेक्ट हैं, कैसे करूँ, वो आप देखो कैसे करूँ, आपको करना ही है। इतना मत सोचो कैसे करूँ क्या करूँ, बस लग जाओ। मेनली आपको करना क्या है, जो भी आपका कोर कंटेंट है, मेन जो कंटेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस आते हैं, उस पर सबसे पहले 10 दिनों में फोकस करना है सारे सब्जेक्ट्स के। अब देखिए, फॉर एग्जांपल्स, कुछ सब्जेक्ट में जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में थ्योरम वगैरह होती हैं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरम्स होती हैं जिनको हमें प्रूफ करके आनी होती है, तो वो मैक्सिमम मार्क्स में आ जाती हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे, तो अगर आप उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें, तो वो क्या करेंगे, आपको पासिंग मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती हैं। तो मेनली मेरा मकसद ये है कि आपके जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन स्टार्टिंग के 10 दिन में पढ़ लें, जो कि आपको पास करवा देंगे। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा क्या होगा आपको,
अगर आपने इन 10 दिनों में वो सारी चीजें कवर कर ली, तो एक तो आपका जो टॉपिक्स हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में कुछ लिख के आएंगे, और दूसरी चीज ये कि आपके दिमाग से जो फेल होने का डर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो पहले 10 दिनों में आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे कि आप पास हो सके। तो पहले 10 दिन का गोल रखिए कि मुझे पास होना है। अब इसमें आप एक चीज तो मैंने बता दी कि आप इस कोर कंटेंट पे फोकस कीजिए जो मैक्सिमम मार्क्स का है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप पिछले सालों के पेपर से एनालिसिस कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास जाइए जो पढ़ने वाले हैं, उनसे पता कीजिए कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। जो पूरे साल पढ़ता है उसे पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है। आप टीचर्स के पास जाइए, उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवा के लाइए। जहां जो कर सकते हो वो करिए, सैंपल पेपर पढ़िए, और जितनी भी ये एंड टाइम पे बुक आती है, एग्जाम आइडिया हो गई, चाहे 100% सक्सेस हो गई, ये जो भी आपको मिल सके, जो भी आप पढ़ सके उसको पढ़िए, और पढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स को निकालिए। ये आपका पहले 10 दिन का गोल है, ये आपके पहले 10 दिन में आपको करना है, ठीक है। अब चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बोर्ड में हैं, कौन से स्कूल में हैं, मैंने इन दोनों बुक्स का एग्जांपल लिया था, आप किसी का भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले 10 दिन में क्या करना होगा। अब जो आपके अगले 10 दिन हैं उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने पहले 10 दिन में टॉपिक्स कवर किए हैं मैक्सिमम मार्क्स वाले, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी दवा के प्रैक्टिस कीजिए। पहले 10 दिन में आपने सिर्फ किन्हें रटा था या समझा था, जो थ्योरम्स वगैरह थी या जो भी था जो कि मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं, अगले 10 दिन में आप क्या कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली थ्योरम ही पूछ ली जाए। सबसे पहले हमने क्या करा, उन थ्योरम्स वगैरह को सही से समझा। अब अगले 10 दिनों में हम क्या कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 5-6 साल के पेपर्स में, या फिर सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से। अब इसके भी हमें दो फायदे होंगे, एक तो हमारा जो रिवीजन हो जाएगा पहले 10 दिन में जितना भी पढ़ा था हमने उसका, और दूसरी चीज़ है हम उसकी क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ज़्यादा चांस बढ़ेंगे अच्छे मार्क्स आने के। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई को एक्सपेंड कीजिए, मतलब थोड़ा सा और उसके साथ में पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। अगले 10 दिनों का आपका टारगेट ये है सिंपल सा, ठीक है। तो अब आपके हो गए 20 दिन कंप्लीट, अब आपके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिनों को, आखिरी वाला जो 10 दिन है, इनको आपको ब्रेक करना है 2 सेक्शन में। सबसे पहला सेक्शन है 5 दिन का, अगला सेक्शन है फिर 5 दिन का। तो अब ये जो 10 दिन आखिरी वाले, इनमें जो पहले 5 दिन है इसमें आपको क्या करना है, अब तक आपने जो भी पढ़ा पहले 20 दिनों में, उनका तरीके से रिविजन करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरह से आपको उनका रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसा करना है कि आपको एंड टाइम पे इन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपने अभी तक ये जितना भी पढ़ा शुरू के 20 दिन में, इसको बिल्कुल पक्का कर लेना है, ठीक है। शुरुआत के 5 दिन में, जो आखिरी वाला 10 दिन का स्लॉट था, इसके शुरुआत के 5 दिनों में इनको पक्का कर लेना है जो भी आपने अभी तक पढ़ा था। अब अगले जो 5 दिन बचे हैं इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अब जितना भी बचा हुआ है उसकी एक तो आप तैयारी कीजिए, और दूसरी चीज ये कि जो भी आपका पहला एग्जाम हो और दूसरा एग्जाम हो, उन दोनों के जो भी आप पढ़ सकते हो उन दोनों से रिलेटेड, जो भी, चाहे किसी सैंपल पेपर से पढ़िए, पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी आप पूरा पढ़ सकते हो लग जाइए। ये मत सोचिए कि यार एग्जाम आने वाले क्या होगा, ये है वो है, स्ट्रेस सब चीज़ों से दूर हट जाइए और सिर्फ पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दीजिए। उन 5 दिनों का आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, और खाली पहले पेपर के लिए मत यूटिलाइज कीजिएगा, पहले और दूसरे दोनों पेपर को साथ लेके चलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको करना क्या है, सिंपली मान लीजिए आपका पूरा दिन है, तो आप आधा दिन एक एग्जाम को दे दीजिए और आधा दिन दूसरे एग्जाम को दे दीजिए, तो अपने 2 पेपर्स को एक साथ लेके चलिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे अपने 30 दिन डिजाइन करने हैं, और फाइनली आपको मैक्सिमम अपनी पढ़ाई कर लेनी है। जो जो आप कर सकते हो, जहाँ जहाँ से आप सोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो कीजिए, चाहे आप किसी फ्रेंड से करें जो कि पढ़ने वाला हो, किसी टीचर से करें, किसी बुक से करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो निकाल सकते हो निकालिए, ऐसे टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चंस जो भी मैक्सिमम अपना दे सकते हैं दीजिए। ज़्यादा फालतू के चक्करों में मत पड़िए, दिमाग परेशान मत कीजिए, क्योंकि देखिए जितना आप सोचने में टाइम खराब करेंगे उतना अगर आप पढ़ाई में लगाएं तो आपके मैक्सिमम मार्क्स भी आएंगे और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे।
ठीक है। अब देखिए इस स्ट्रेटेजी को पढ़ के मैंने कहा था कि आपके 95% या 100% आ जाएंगे स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि आ भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। 90% से अबव भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ इतना आराम से कह सकता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा भी ठीक तरीके से स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करें तो अबव 80% आप आराम से कुदा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से। ये स्ट्रेटेजी आपको 80% से अबव मार्क्स लाने में बहुत ही आराम से हेल्प करेगी और आपके आ भी जाएंगे। तो बस दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई है जिससे कि आप एक मंथ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना तो यार इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, मुझे पता है आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ यार शेयर करो, शेयर करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जरा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलती रहे जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।